हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जय फोर टेक की इस वीडियो में। दोस्तों आज के कल आपको पता ही है, जीएसटी बढ़ने के बाद से 10,000 रुपये के अंदर कोई बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बिकॉज जब तक जीएसटी नहीं बढ़ा था, जब तक स्मार्टफोन कंपनियां थोड़े सही प्राइजेस निकालती थी अपने फ़ोन्स के, लेकिन जब से जीएसटी बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, तो ये सब स्मार्टफोन कंपनियां अपनी स्मार्टफोन की प्राइस इतनी बढ़ा रही हैं, जैसे कि पहले 500 बढ़ाती है, फिर कुछ दिन बाद 500 रुपये और बढ़ा देती है, जिससे ही कस्टमर ही पागल हो जाता है और कस्टमर्स को ये बेवकूफ़ बनाए जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों आजकल के जो नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, अब Redmi 9 Prime आया है, जो कि मुझे बहुत सही लगा है, 10,000 रुपये के अंदर 4GB 64GB वाला वेरिएंट। बिकॉज यार आजकल आपको 10,000 के अंदर आपको ऐसे फ़ोन्स कम ही देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको वो अच्छा फ़ोन मिला। हालांकि हम ले नहीं पाए उसे बिल्कुल भी, मैंने पूरी ट्राई करी यार उसको फर्स्ट सेल में लेने की, इतने सारे रिटेल स्टोर्स पर भी पूछा, लेकिन कहीं पर भी मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मुझे उसको स्किप करना पड़ा। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, Realme के दो अपकमिंग फ़ोन्स आ रहे हैं, जो कि है Realme C सीरीज़ के Realme C12 और C15। दोस्तों C12 और C15 कैसे ला रही है Realme दोनों एक साथ, और मतलब इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। C15 के तो हमें पता ही है, चलो इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुका है वो पहले ही, लेकिन जो C12 है वो अभी तक कहीं पे भी लॉन्च नहीं हुआ, तो उसके फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर जरूर देखिए, अगर आपको एक 10,000 रुपये के अंदर अच्छे फ़ोन की तलाश है, और अगर आप इन दोनों फ़ोन्स का वेट करते हैं, तो इनमें से कौन सा आपके लिए फ़ोन बेटर रहेगा उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अभी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड चलिए इस वीडियो शुरू कर देते हैं पढ़ा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर Realme C15 के फीचर्स के बारे में, थोड़े थोड़े मेन फीचर्स जो है उसके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 6.5 इंचेस की एक IPS LCD पैनल मिल जाता है HD+ के रिजोल्यूशन के साथ में। ड्यू ड्रॉप स्क्रीन आपको मिल जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रियर की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, स्क्वायर कटआउट में ऊपर कोने में ऊपर की साइड, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक LED फ्लैश भी मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो कैमराज हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का एक ब्लैक एंड वाइट कैमरा है, एंड एक और 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो यहाँ पे जो 2 मेगापिक्सल के उनका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, हमें मेन जो काम होता है हमारे 2 शुरू के ही होते हैं, अल्ट्रा वाइड और जो मेन प्राइमरी कैमरा होता है। फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल रही है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे ख्याल से सही है। और ये जहाँ तक है ये दोनों ही फ़ोन 10,000 रुपये के अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं इनके बेस वेरियंट। और यहाँ पे दोस्तों जो बैटरी दी गई है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी दे दी गई है, 6000 mAh की बैटरी दी गई है, हालांकि उसके साथ फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाती है 18 वोट की। तो 18 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ 6000 mAh की बैटरी, टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप भी मिलने वाला है इस वाले फ़ोन में। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे Realme UI 1.0 पे चल रहा है ये फ़ोन, और Android 10 आपको मिलेगा बेसिकली इसमें, और ये सब कुछ इस तरह मिलेगा। वो माइक्रो USB पोर्ट है, यहाँ पे Type-C नहीं दिया गया है, और ये सब कुछ दोस्तों इस तरह है। Helio G35 प्रोसेसर दिया है, जो कि C3 के कंपैरिजन में डिग्रेड है, जो कि हमें C11 में भी देखने को मिल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि C12 में भी यही प्रोसेसर होगा। तो मतलब मुझे समझ नहीं यार Realme सेम प्रोसेसर कितने कितने फ़ोन्स में देगा, बट यहाँ पे जो है मेन जो डिपेंड करेगा वो करेगा प्राइस के ऊपर। अगर प्राइस यहाँ पे इन्होंने अच्छा रख दिया 10,000 रुपये के अंदर ये सब फीचर्स के साथ, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सही होगा यार ये फ़ोन। और देखते हैं ये मिड ऑफ अगस्त के आसपास लॉन्च हो सकता है, 15 से 20 अगस्त मेरी प्रिडिक्शन जहाँ तक है, तो उसके बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं ये दोनों स्मार्टफोन्स, क्योंकि Realme ने ऑलरेडी टीज करना स्टार्ट कर दिया है इन्हें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो Realme C12 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आपको 6.2 इंच की एक डिस्प्ले कह रहे हैं देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको र्यूमर ये बता रहे हैं कि इसमें होगी फुल HD+ की डिस्प्ले। मतलब C15 में आपको HD+ की डिस्प्ले मिल रही है, इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पे फुल HD+ की डिस्प्ले होगी, और ये वाला फ़ोन मुझे जहाँ तक लग रहा है ये Redmi के फ़ोन्स को ही टक्कर देने के लिए ला रहे हैं ये। तो यहाँ पे अगर फुल HD+ की डिस्प्ले होती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है यार, बिकॉज वहाँ पे आपको कलर्स और भी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, एंड स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी सही मिल जाती है। हालांकि आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेंगे HD और फुल HD+ डिस्प्ले में, बट हाँ कलर्स वगैरह आप वाइब्रेंसी चेक करेंगे तो सनलाइट में आपको फ़र्क मिलेगा उसमें। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रिपल कैमरा सेटअप हो सकता है Realme C12 में, जहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो मिलने वाला है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड वाइट कैमरा मिल सकता है। तो यहाँ पे 3 कैमरा मिल सकते हैं आपको बैक में। फ्रंट की बात करें, फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि सेम टू सेम C15 जैसा ही होगा।
यहाँ पे दोस्तों जो डिस्प्ले वगैरह है थोड़ा साइज छोटा कर दिया C15 के कंपेरिजन में। बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पे सेम देखने को मिलने वाली है आपको 6000 mAh की, और यहाँ पे आपको 18 वोट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों ही फोन्स में आपको 18 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। तो बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है इन फोन्स में। प्रोसेसर सेम होने वाला है इनमें, G35 हो सकता है, मोस्ट चांसेस यही है दोस्तों कि दोनों में ही आपको G35 मिलेगा। C15 में तो कन्फर्म्ड यही है और C12 में भी शायद आपको यही देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये तो हो गई मेन पॉइंट की बातें। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो यहाँ पे वेरिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो इंडोनेशियन वर्जन है C15 का, वहाँ पे दोस्तों आपको दो वेरिएंट्स मिल रहे हैं, 3GB 64GB और 4GB 64GB। अब जो 3GB 64GB वाला वेरिएंट है वहाँ पे जो लॉन्च हुआ है वो इंडिया की करेंसी अब अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो दोस्तों करीब करीब आपको 8,500 के आसपास मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर इंडिया की बात करूँ C15 की, मेरी क्या प्रेडिक्शन है इस फ़ोन की, तो मुझे लगता है ये 10,000 के आसपास आपको फ़ोन देखने को मिल सकता है। और अगर ये 10,000 रुपये के अंदर आता है तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और काफ़ी सही चॉइस होगी। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आपको प्रोसेसर सही चाहिए, मतलब नॉर्मल गेमिंग आपकी चल जाएगी उसमें, और यहाँ पे आपको बैटरी सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट देखने को मिलने वाला है और डिस्प्ले वगैरह आपको सही मिलने वाली है, तो ये सब चीज़ें आपको 10,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने 10,000 से ऊपर कर दिया उसका प्राइस, तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा खास होगी वो डील। और C12 की बात करें यहीं पे, तो वो मेरे ख्याल से अगर ये जो मैंने स्पेसिफिकेशंस बताई है अगर इनके साथ आता है तो उसकी प्राइस होनी चाहिए यहाँ पे 8,000 से 9,000 के बीच में। बिकॉज दोस्तों ज़्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं इनकी प्राइसिंग में जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये सब कुछ इस तरह होने वाला है C12 और C15। और आप बताइए आपको C12 और C15 की इन वाली स्पेसिफिकेशंस के बाद आप Redmi 9 Prime लेना चाहेंगे या फिर ये दोनों फ़ोन में से कोई भी एक, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी इन दोनों फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशन। और हाँ, जो मैंने C12 की स्पेसिफिकेशन बताई है वो कन्फर्म नहीं है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। ये मेरी रिसर्च करी है मैंने जो भी थोड़ी बहुत, और यहाँ पे जो मुझे पता चला इसके बारे में वो मैंने आपको बता दिया है। तो बस यही था इस वीडियो में दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताना आपको कौन सा फ़ोन आपके लिए अच्छा रहेगा और आप किस फ़ोन के लिए वेट कर रहे हैं इन दोनों में से ही। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती रहे। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी, टिल देन बाय बाय, एंड चलिए जल्दी से दूसरी वीडियो की तैयारी करते हैं।